नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद चुनाव आयोग सुगम और सुरक्षित मतदान कराने के लिए सारी तैयारियां पूरी कर चुकी है। इसके बाद भी लोगों की शिकायतों के निपटारे और समस्याओं को देखते हुए कई जगहों पर वोटिंग के नियम में थोड़ी बहुत आमूल चूल परिवर्तन भी किए हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि पहले की तरह ही नियम है तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो, इसलिए हम आपको चुनाव आयोग की ये जानकारी वोटिंग से पहले लेकर आए हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए भोपाल लोकसभा सीट पर इस बार 2,253 मतदान केंद्रों पर 21 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इनमें 7,000 दिव्यांग और 171 ट्रांसजेंडर है। 12 मई को होने वाले मतदान के दिन बेहद गर्मी का अंदाजा है, इसलिए हर दो महिला के बाद एक पुरुष वोटर को मतदान करने दिया जाएगा। हर बूथ पर छांव, पानी और शौचालय की व्यवस्था रहेगी। इस बात की जानकारी देते हुए डीएम और डीआईजी ने कहा, इस बार केवल मतदाता पर्ची के भरोसे वोटिंग नहीं करने दी जाएगी। हर मतदाता को 11 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र साथ रखना होगा। विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान एक मतदान भवन में 10 से 20 पोलिंग बूथ होने पर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे। गो एंड वेरीफाई अभियान। विधानसभा चुनाव के दौरान सूची में नाम न मिलने के कारण मतदाताओं की परेशानी के सवाल पर डीएम ने कहा कि गो एंड वेरीफाई अभियान का लाभ उठाएं। यह अभियान हर जगह चलाया जा रहा है। अपने अपने क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर जाकर वोटर लिस्ट में अपना नाम वेरीफाई करें। यदि नाम नहीं है तो उसमें नाम जुड़वाने के लिए आवेदन जरूरी है और फॉर्म भर कर करें। चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि इस बार का चुनाव बिना डर, भय और बिना किसी विवाद के होंगे, और अगर कहीं से भी किसी भी तरह के विवाद आते हैं तो आरोपी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। हम मतदाताओं से अपील करते हैं कि लोकतंत्र के पर्व में आप सभी सहभागिता करें और देश को आगे बढ़ाने के लिए पहले सर्वप्रथम मतदान करें। यहाँ पर एक और बात हम आपको बता दें कि NMF न्यूज भी लोकसभा चुनाव में जनता से अपील करता है कि आप अपने अपने इलाके में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जरूर से जरूर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। जिस दिन आपके इलाके में वोटिंग हो उस दिन आप अपने पोलिंग स्टेशन पर जरूर जाएं और लोकतंत्र के पर्व में भाग लें। देश को आगे बढ़ाने में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल कर मजबूती दें।